अनावश्यक सूचना। इस धारावाहिक में दिखाए गए सभी पात्र भविष्य में होने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। नो फीमेल यूज़ हार्म ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। साइमन कम बैक, साइमन प्लीज कम बैक, ना चॉकलेट लेंगे ना रोज लेंगे, बिना बोले खुशी खुशी देंगे फोन नंबर। तो आइए आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार क्यों लड़के लड़कियों को भाव नहीं दे रहे हैं। जी बताइए क्या परेशानी है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना हमारा ये हाल है। लड़के हमें भाव ही नहीं देते। आप इधर आओ। लड़के हमें डेट पर बुलाकर खुद नहीं आते, कहते हैं बिल तुम पे करो, स्प्लिट नहीं होगा, और हमारा मैसेज सीन करके इग्नोर कर देते हैं। आप मुझे अपना नंबर दोगे? आप बताइए। तस्करी हो रही है जी बॉयफ्रेंड्स की, काला बाजारी चल रही है, काला बाजारी। इतने महंगे दामों पे बॉयफ्रेंड्स मिल रहे हैं, और तो और जीएसटी डबल कर दिया। हम बता रहे सही नहीं हो रहा है ये, ठीक नहीं हो रहा है ये। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। अबे तेरी दीदी किसको? देख देख देखिए यहाँ पर हालात देखो अब होते जा रहे हैं, और यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड जैसा पत्रकार भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। नैना 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 क्या सेठ जी नया स्टॉक आ गया, मीटर खींच दूं क्या? खींच दे मीटर। मैडम को खुश रखने का है, ठीक है? सेठ के नाम की वैल्यू बनानी है मार्केट में, चल। 100% गारंटी है मैडम, टेंशन मत लेना कोई। मैडम सेठ का नाम चलता है मार्केट में एकदम। पुष्पा बस रे बस। अच्छा सुन, वो लोखंड वाले से मैडम का फोन आया था, उनको एक फटाफट नाइजीरियन पैक करके भेज दे। लेकिन सेठ यार वो तो आउट ऑफ स्टॉक है। इतनी जल्दी? सेठ इसका बड़ा घपघप रहता है। हाँ वो भी है। अच्छा एक काम कर, एक ब्राउन मुंडा पकड़, उसको काला पेंट कर दे और भेज दे। जब तक रंग उतरेगा तब तक मैडम बोर हो चुकी होगी। अरे सेठ यार, अरे पुष्पा बस बिजनेस में। आइए आइए मैडम जी, आइए प्लीज प्लीज। मुझे ना एक बढ़िया सा बॉयफ्रेंड दे दो। जी मैडम। पुष्पा बोला मैडम, कैसा माल चाहिए आपको? काला गोरा देसी विदेशी इंटरनेशनल, हाफ दाढ़ी फुल दाढ़ी, सफेद बाल काले बाल नीले बाल, या फिर लेटेस्ट छपरी स्टाइल के अंदर खड़ा बाल बेटा बाल, सीधी मांग साड़ी की मांग बीच की मांग, लविंग केयरिंग हैंडसम, ऐसा मिल जाएगा मैडम जैसा बोलोगी वैसा। नहीं यार। क्यों क्यों मैडम क्या हुआ? एक्चुअली ना शाम को पार्टी है, तो अगर बिना बॉयफ्रेंड के जाऊंगी तो एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। ओ पीयर प्रेशर वाली है ये। अरे फिर तो आप एकदम एक नंबर जगह पर आए हैं, यहाँ पे A1 बॉयफ्रेंड मिलते हैं। आज तक एक बंदी नहीं आई यहाँ पे रिफंड मांगने, आपको पता है? अरे ये कैसा खस्सी बॉयफ्रेंड दे दिया मुझे, मुझे मेरा रिफंड चाहिए। आई वॉन्ट माई मनी बैक राइट नाउ। मैडम क्या हुआ क्या? अरे शुरू शुरू में सब ठीक था, फिर इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, धीरे धीरे मुझे अवॉइड करने लगा, ना फिल्म दिखाता है ना शॉपिंग कराता है, और तो और मैं कह रही हूँ झूठी तारीफ तक नहीं करता, बताओ। एक मिनट मैडम, एक मिनट। पुष्पा सेठ का नाम खराब करता तू, इतने सारा सा नाम बनाया उसने, ऐसे ही गद्दी पे बैठे बैठे मोटा हो गया वो। हाँ। गांडू तो, गांडू समझेंगे लोग उसको, वो भोसड़ी का, मेरा सेठ भोसड़ी का, तू साले नाम खराब कर रहा है। पुष्पा ऐसे ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं क्या लगता है तुझे, भड़वा मेरा सेठ, गांडू है मेरा सेठ, अरे उसे बोलने दो यार। मैं नहीं परेशान कर रहा हूँ, पर पता नहीं इसका बेस्ट फ्रेंड बीच में कहाँ से आ गया। जब भी कॉल करो अपन डायल के ले नंबर, सद्य व्यस्त है, कृपया थोड़ा वेदन अंतर पुनः प्रयत्न करा। अबे बिहारी हूँ फिर भी मराठी रिंगटोन याद हो गई है। जब भी इससे बात करो इसको अपने बेस्ट फ्रेंड की बात करिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड ये वो आज मेरा लौड़ा जला के राख कर दे, देखो देखो पीछे जो धुआं निकल रहा है। ये क्या हाल बना दिया आपने इसका? अरे हंसता खेलता नौजवान भेजा था आपके पास, इसकी हालत देख रहे हो? नहीं आपको कोई रिफंड या रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बॉयफ्रेंड के सामने बेस्ट फ्रेंड की बातें नहीं कर सकते आप। तो मतलब बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। और रिफंड भी नहीं मिलेगा? नहीं। तो एक काम करो इसको ना अपनी गांड में घुसा लो, और पता है डिकार्ड पे ना 50% की सेल चल रही है, वहीं से खरीद लूंगी नया बॉयफ्रेंड। हाँ तो वहां भी डिक के जगह पत्थर मिलेंगे। मैडम जी मैं क्या कहता हूँ, अब ये बॉयफ्रेंड ले लीजिए ना, कितना अच्छा है। आप बोले तो मैं 50% ऑफ भी लगा दूं। अच्छा तो है पर ये पूरी तरह से जला हुआ है तो। हाँ वो तो है, इसे थोड़ा सा रिपेयर तो करना पड़ेगा दारू और चखने के साथ। पुष्पा
वाह। आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? जी जी। पुष्पा वो 1100 वाला फेंक। 1100 से नीचे आ। हाँ मैडम। नो अरे मैडम आप शक्ल पे मत जाइए। अरे शक्ल देख के तो हम भी इसे कंपनी वापस भेजने वाले थे। ये इसके हार्ट को देखिए, अंडरस्टैंडिंग है, ये लॉयल टाइप वाला है, लंबा टिकेगा। टिकवाना नहीं है, तड़वाना है, तड़वाना। पुष्पा ओ 6600 वाला फेंक। अरे 6600 यो। नो 3310 लाओ यार। बिल्कुल नहीं। 5300 इल्ले। अरे 6100 लाओ यार। नो वे। मैडम आप बॉयफ्रेंड देखने आई हैं या गेम खेलने आई हैं आप? गेम नहीं खेल रही हूँ, कॉइन DCX क्रिप्टो करेंसी ऐप पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। अच्छा इन सब की नॉलेज कहाँ से मिलती है आपको? कॉइन DCX का एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है कॉल्ड DCX लर्न, जहाँ पे आप क्रिप्टो ब्लॉकचेन जैसे टॉपिक्स के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं। अच्छा कॉइन DCX इंडिया का सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप है। ये 7M मॉडल पे बेस्ड है और ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारे रिस्क को मैनेज करता है। और इतना ही नहीं ये ISO सर्टिफाइड है एंड 24/7 कस्टमर सपोर्ट। ये देखिए कॉइन DCX क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऑनबोर्डिंग जैसी चीज़ों को ईजी बनाता है फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। और इतना ही नहीं मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 100 रुपीज से आप अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कभी भी फंड विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब 24/7। अच्छा ये सब तो ठीक है लेकिन ये सेफ तो है ना? यूजर्स फंड कॉइन DCX पे सेफ एंड इंश्योर्ड है। और इतना ही नहीं इनके मल्टीपल इनबिल्ट सिक्योरिटी सर्विसेज भी हैं, जैसे 2FA विड्रॉल पासवर्ड एंड ऑल। फोन दीजिए अपना। ये मैंने डाउनलोड कर दिया है। साइन अप पे मैंने RBCJ100 कोड डाला है तो आपको मिला है बिटकॉइन सैंपल वर्थ ₹100 बिल्कुल फ्री। अब आप अपना KYC कंप्लीट कर लीजिए और बस आपकी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट। इट्स दैट सिंपल। इन्वेस्ट कीजिए कॉइन DCX में क्योंकि फ्यूचर यही है। बढ़िया मैं अभी से स्टार्ट हो जाऊंगा। अब ये सब तो ठीक है पर अब मुझे अब अच्छा सा बॉयफ्रेंड दिखा दीजिए ना, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ प्लीज। सेठ जी मुझे समझ में आ गया मैडम को क्या चाहिए। मैडम रफ्तार रा बनेगी तो निब्बा बन जाऊंगा, पट्टा दिखाएगी तो पुत्ता बन जाऊंगा, तो कच्चा बादाम में पुष्पा बन जाऊंगा, तो साइकिल की घंटी में घंटा बजाऊंगा, बजाएंगे। अरे यही तो चाहिए था। अरे मैडम यही तो बिक नहीं रहा था, ले जाइए 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 मैडम। अरे ओरिजिनल नहीं है, फर्स्ट कॉपी है। ये कब तक आ रहे हैं नाइजीरियन वाले अपने? आज शाम तक बोला। और जिनके पास ऑलरेडी है ना उनको रिमाइंडर भेज देना 10 मिनट पहले, ठीक है? एक चूतिया बॉयफ्रेंड चाहिए। अरे नहीं है मैडम इधर गलत जगह आ गए आप। मैडम चूतिया बॉयफ्रेंड हमें पता है वो रखना गैर कानूनी है इसलिए हम नहीं 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 रखते। ब्लैक मार्केट में जो रेट मिलता है ना उसका डबल दूंगी। अरे आप कितना भी तो नहीं चाहिए ना अपने। पुष्पा शांत शांत। देखिए हमें पता है कि चूतिया बॉयफ्रेंड सबसे महंगे बिकते हैं लेकिन हम गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हो यार, पक्का नहीं है? नहीं हम गैर कानूनी काम नहीं करते तो नहीं करते समझे। आप जाइए यहाँ से प्लीज जाइए आप। मैं जा रही हूँ। हाथ पकड़ के छोड़ के आएंगे। अरे यार चुप रहो यार तुम। अरे घूर के सरी जैसे अपना। ये चुप यार पुष्पा। मेले बाबू ने थाना थाया। मेले बाबू ने थाना थाया। तालिया।
है नीचे। मैं साले मुंह बंद नहीं रख सकता था। ये सेठ, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं चूतिया बॉयफ्रेंड हूँ? क्योंकि मैं तेरी तस्करी सोनागाछी में 10 गुना ज्यादा दाम पे करने वाला था। मुच्छड़ एक अटपीस, क्या चल रहा है तुम लोग का है? बंद कर अपने ड्रामा। तेरे पास ना अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा या फिर क्या? अरे मेला बाबू लोतियो लाए। मैं दाल हो रहा हूँ। सारे भावे ने। भाई बस बाबा। जिस तेजी से लड़का कट रहा है उनका विलुप्त होना बनता भी है। ये कैसी प्रजाति है जिसे प्यार और सेक्स ना मिले तो ये अपना हाथ जगन्नाथ का नारा बुलंद करते हुए सख्त भी बन सकते हैं। Hey guys! तो कैसी लगी आपको हमारी न्यू वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सीजन क्लियरेंस सेल चल रही है, 50% ऑफ है और जल्दी जाके अपना बॉयफ्रेंड खरीद लीजिए। और अगर आपको गर्लफ्रेंड ऑन सेल पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड फॉर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट प्लीज सब्सक्राइब टू RVCJ। पाशा तू कितने में बिका? मैं तो बहुत सस्ते में बिका। बनता है तू भी का क्या? नहीं रे ब्रो। और तू सेट है मेरा तो।